जय हिंद दोस्तों, ये 22 इंची LED है और इसमें बैक लाइट हमें दो से लगानी है, 3 वोल्ट की। इसमें 6 वोल्ट की बैक लाइट लगी है और 50 वोल्ट जैसे के आते हैं उसमें, और हमारा बोर्ड वोल्टेज रिकॉर्डर कम। अब हमें देखना है इसमें कैसे हम कुछ चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम खोलते हैं इसको। ये हमारा बोर्ड है, ये हमारी इसकी बैक लाइट नहीं जल रही इस बोर्ड से। अब इसके अंदर हम 12 वोल्ट की इस हिसाब से बैक लाइट लगाएंगे जो 12 वोल्ट से हमारी बैक लाइट जल जाए, क्या हम उसे अलग से 12 वोल्ट देकर चला सकते हैं। और बोर्ड में 12 वोल्ट होते हैं तो उससे भी हम चला देंगे। अब हमारी जो बैकलाइट वोल्टेज इससे चल नहीं रही है, हमने काफ़ी देर से चेक किया, यूटी लगा के ये हमने मैनली पावर लगा दिया इसके। हमने इसकी पावर लगाई और अब ये बैक लाइट जला नहीं पा रहा है। हमने इसकी LED डिस्प्ले काट दी ताकि वहाँ का पैनल शॉर्टिंग की वजह से ना जल रही हो बैक लाइट, मगर इसकी बैक लाइट नहीं जली। बैक लाइट जलती हुई दिख जाती है, कहीं भी राख होते इसमें भी नज़र आ जाती है। अब इसको हम खोलते हैं साइड से। ये हमने निकाल दिया इसका और ये हमने इस पर, ये 5 वोल्ट का पैनल है, 5 वोल्ट की सप्लाई, हमने इस पर एक वोल्टेज वो बना का जो 5 से 12 निकालता हो, 12 यानी 12 से 5 वोल्टेज निकालता हो। इस पर किसी दिन और दिन हम इस पर वीडियो बना देंगे छोटी सी, धूल डस्ट कितनी आ चुकी है पैनल पे, इसको हम साफ करके। हमने फिर चेक किया इसको, अब इस पर फिर नहीं चला। इस अडेप्टर से हम इसकी बैक लाइट जलाएंगे। अब ये देखो, हमने इसकी दूसरे अडेप्टर से बैक लाइट जलाई 12 वोल्ट से, 3 वोल्ट की एक पट्टी है, मतलब 3 वोल्ट का एक बल्ब है, 4 बल्ब वाली पट्टी है। अडेप्टर से जलाते 12 वोल्ट बोर्ड से, उसे 12 वोल्ट लगाए और उसे हम खोलते पैनल को, निकालते इसमें से। इसके साइड में 4 तरफ लॉक होते हैं, ये छोटे चक्कू की मदद से हम इसको ऊपर को लॉक लगा देंगे ताकि इसके जो फ्रेम के लॉक है आसानी से बिगड़ जाए। ठीक है दोस्तों, अभी हमने लॉक लगा दिया इसके। असल में क्या, मेरे पे एडिटिंग करनी नहीं आती है और मैं सीधी की सीधी वीडियो ऐसे ही डालता हूँ जैसी छोटी भी जानकारी होती है, जैसे भी अपने से हो सकता है। हमने पैनल का फ्रेम निकाला पड़ेगा, ये हमने इसका पैनल उठा कर निकाल दिया एक तरफ, इसे हमने साइड में रख दिया पैनल को, हमने साइड में रख दिया निकाल के पैनल को आराम से।
अब हम इसकी सीट, अब इसकी सीट में फ्रेम में बैकलाइट लगाते हैं। इसमें चारों एलईडी बल्ब की बैकलाइट लगी हुई है, दो पट्टी जो कि 6 वोल्ट की है, यानी 24 वोल्ट एक पट्टी में आते हैं, दोनों में मिला के 48 वोल्ट हो जाते हैं। जो कि हमारा बोर्ड बैकलाइट वोल्टेज नहीं जला रहा है, इसलिए हम इसमें 3 वोल्ट की बैकलाइट लगाएंगे। अब अपनी दूसरी बैकलाइट लगा के इस पर हम चेक करते हैं। ये हमारी 6 वोल्ट वाली असेंबली काट देते हैं और इस पर हम पहले टेप लगाते हैं, इसे निकाल कर पट्टी को। ये 6 वोल्ट की बैकलाइट है, 4 बल्ब वाली है। अब इस पर हमने टेप लगाई है, ये हम इसके ऊपर का कागज उठाते हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर बैकलाइट चिपकाएंगे। ये हमने छुटा दिया, ये बड़े प्यार से छुटता चिपका हुआ होता है, इसको हम छुटा रहे हैं। ये हमने छुटा दिया, इसका 3 वो लगाई हमने, 3 पट्टी, ताकि हमारा पेपर इस पर आसानी से चिपक जाए। अब वायर हम उस हिसाब से लगाएंगे साइड में, ताकि हमारी वायर सही पेपर के नीचे आ जाए। अभी हमने पेपर चिपका दिया, अब इसके ऊपर हम बैकलाइट लगाएंगे। अभी हमने इसके ऊपर बैकलाइट चिपकाई है, 3 वोल्ट की 4 LED वाली, यानी एक पट्टी में 12 वोल्ट आते हैं। अब इसको हम सीधे 12 वोल्ट देंगे तो ये हमारी पट्टियाँ जल जाएंगी। ये हमारी पट्टी जल गई 12 वोल्ट से, दोनों पट्टियाँ 12 वोल्ट से जल गई। ठीक है दोस्तों, ये देखो हमारी चार दोनों पट्टी 12 वोल्ट से जल गई। इसी अडप्टर से हमने चला दिए, ये D2H का चार्जर है, इसी से हम बोर्ड भी चला सकते हैं और अडप्टर, ये भी बैकलाइट भी। अब इसे हम पैक करते हैं। ये हमने इस पर सीट लगा दी हमारी, कोई ऊपर इतनी वो नहीं चमक रही है, धब्बे वगैरह वो हमने चेक कर लिए है। इस पर बोर्ड लगाते हैं, हमने जला दी इसकी बैकलाइट, ये हल्की सी चमकती है मगर पैनल में नहीं दिखी गई है। तो उसके अपने पैनल रख दिया इसके ऊपर, हमने लगा दिया इसका वायर। अब इस पर 12 वोल्ट से देकर आराम से बोर्ड से दे सकते हैं, अलग से दे सकते हैं। ये हम 12 वोल्ट से दूसरा स्मार्ट बोर्ड लगा के चेक कर रहे हैं पैनल को। ये हमने पैनल लगा दिया, ये फुल HD पैनल है। हमने 12 वोल्ट दिया इसे अडप्टर से बोर्ड को, 12 वोल्ट से हमने ये चलाया। इसमें कोई हमने बिजली के तार नहीं लगाए, हमने इसमें ना LED में ना बोर्ड में 12 वोल्ट ही इस्तेमाल किया, कोई ऐसी करंट नहीं लिया हमने इसमें। ये हमारा बोर्ड चालू हो गया है, इसको हम 12 वोल्ट से आराम से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। देखो आराम से, देखो हमने इस पर स्मार्ट बोर्ड लगा दिया है 12 वोल्ट से चला कर। आराम से चला सकते हैं उसे। ठीक है दोस्तों।
जय हिंद दोस्तों।